खाना खाने के नियम कायदे या नाश्ता करने के नियम कायदे बहुत से लोग नहीं जानते हैं। इसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी ज़िंदगी में व्याप्त होती है और सब सुख नष्ट हो जाते हैं। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो ये काम अवश्य करिए जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। खाना खाने से संबंधित कुछ आदतें होती हैं जो आपके जीवन में नेगेटिविटी को ला सकती हैं, धन की हानि करा सकती हैं, बर्बादी ला सकती हैं। कुल मिला के ये अच्छी आदतों में नहीं गिनी जाती है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। स्पेशली इन दो जगहों पर आपको भूल कर भी खाना नहीं खाना चाहिए। और दो जगहों से मतलब है दो स्थान आपके घर में ऐसे होते हैं जहाँ आपको बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। वैसे राहु की शांति के लिए रसोई में बैठकर अगर आप खाना खाते हैं तो आपका राहु शांत होता है। आपको धन संपदा चाहिए तो प्रॉपर डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाएं तो आपको फ़ायदा होता है। नीचे बैठकर भी आप खाना खाते हैं तो आपको नंगे फर्श पर बैठ के नहीं खाना है, बल्कि कुछ आसन बिछाकर ही खाना खाना चाहिए और पाटे पर रख के खाना खाना चाहिए। भोजन आपसे ऊंचा होना चाहिए, जहां आप जिस स्थान पर बैठे हैं उससे ऊंचाई पर भोजन की व्यवस्था करें। पाटा या चौकी रखें तो आपको फ़ायदा होता है। और अगर आप दुकानदार हैं और दुकान में खाना खाते हैं तो आपको मुंह फेर के खाना खाना चाहिए। जो भी ये खाना आप खाते हैं उस वो किसी को दिखाई ना दे, गुप्त रूप से चुपचाप आपको खाना खाना चाहिए। खाना खाते वक्त बोलचाल नहीं होनी चाहिए, किसी से बोलचाल ज़रूरी नहीं है, मतलब की बात करें, ज़्यादा बात खाना खाते वक्त नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात आप बात कर सकते हैं जब आपका खाना पूरा हो गया है। टीवी देखते देखते खाना नहीं खाना चाहिए, मोबाइल हाथ में लेके कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। ये तो हैं बेसिक बातें जो अक्सर आप जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं वो भी जान गए होंगे इस वीडियो के द्वारा। लेकिन ऐसी दो जगह हैं जहां आप खाना खाते हैं तो सिर्फ बर्बादी आपके पल्ले पड़ती है और आप ज़िंदगी में मलाल करते रह जाते हैं कि हम ऐसे खाना क्यों खाते हैं। तो इस आदत को आज ही से स्टॉप कर दीजिए तो आपको मलाल करने की आवश्यकता नहीं होगी और आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी। और जब पॉजिटिविटी और सकारात्मकता का मेल जोल हो जाता है तो उस घर में तरक्की होती है, बरकत होती है और पैसा तो आना ही आना होता है। तो आज ऐसा उपाय बता रहे हैं जो आपको पहली बार देखा होगा या आपको अगर आपने किसी और चैनल पर देखा है तो हमको अवगत अवश्य करा कीजिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं, मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं और आप ज्योतिष तंत्र मंत्र वास्तु में और पूजा पाठ में रुचि रखते हैं तो ये चैनल आपके बहुत काम का है। इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ बात इसी तरह की होती है जो आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है। मैं डेली ऐसे वीडियो डालती हूँ यूट्यूब पर जो आपको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना तो बनता है। आइए आज का वीडियो पूरा करते हैं और आपको बताते हैं उन दो जगहों के बारे में जहाँ आपको खाना भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। हमने देखा प्रत्यक्ष रूप से और इसीलिए वीडियो बनाने का आइडिया आया, तो आप इसको सबके साथ शेयर करें। क्योंकि कुछ लोग ज्योतिषी हैं, बड़े टॉप के अपने को यूट्यूबर बोलते हैं, मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उनको ये बेसिक बात भी पता नहीं है जो वो गलती करते हैं। वो हमने उनको नाश्ता करते हुए अक्सर उस टेबल पर देखा है जो उनकी ऑफिस की टेबल होती है, जो उनका वर्क प्लेस है, जो वर्क इज़ वर्शिप होता है, काम ही आपकी पूजा होती है। हमारे एक परिचित एस्ट्रोलॉजर हैं, हम उनके घर एक बार गए, उन्होंने हमको चाय ऑफ़र करी और चाय पीते समय हमने उनकी जो टेबल थी उस पर चाय को रख दिया, झूठे कप को रख दिया। तो उन्होंने मतलब झूठा किया नहीं था, हमने चाय पीना चालू ही किया था तो उन्होंने फौरन बोला कि इस टेबल पर मैं कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं रखता हूँ क्योंकि ये मेरा कर्म है, कर्म क्षेत्र है। और वो दिग्गज ज्योतिषी हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, बहुत फेमस ज्योतिषी हैं, वो खुद भी ज्योतिषी हैं मतलब, तो वो अपने काम को समझते हैं और काम की गरिमा को भी समझते हैं। और जो काम होता है पूजा के समान होता है और पूजा स्थान में झूठी चीज़ें आप रखते हैं तो आपको इतना दोष लगता है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो हमने उनके लिए वीडियो नहीं बनाया है जो अक्सर गलती करते हैं, हमने सबके लिए वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो के द्वारा हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं कि खाना खाते समय आपको बिस्तर पर खाना नहीं खाना चाहिए। बिस्तर पे खाना खाते हैं तो कुछ अखबार वगैरह बिछा लेने चाहिए या टॉवल बिछा लेने चाहिए, तत्पश्चात उसको झाड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसा भी कभी कभी करना चाहिए, रोज़ाना नहीं करना चाहिए। जो लोग बिस्तर पे रोज़ाना बैठ के खाना खाते हैं उनको तरह तरह की परेशानियां जीवन में आती हैं, उनकी शिक्षा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, उनको ज्ञान का अभाव होता है और प्रॉपर तरीके से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये जज भी नहीं कर पाते हैं। तो खाना बिस्तर पे बैठ के तो कभी भी नहीं खाना चाहिए।
दूसरा स्थान है आपकी जो वर्क प्लेस है, अगर आप वर्क घर से ही करते हैं तो आपका जो वर्क प्लेस है जहाँ बैठकर आप वीडियो बनाते हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं तो ध्यान से सुनिए, और उस टेबल पर आपको कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए, या नाश्ते के रूप में हो या चाय के रूप में हो, आपको नहीं खाना चाहिए। ये कई यूट्यूबर ऐसे हैं जो ये गलती भयंकर रूप से करते हैं और लगातार गलती करते हैं, और दुनिया को, जैसे बोलते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं और खुद को इतनी छोटी सी बात भी पता नहीं होती तो हम उनकी हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता कि लोग इतनी जानबूझ के गलती करते हैं या उनको पता ही नहीं होता। तो पर उपदेश बहु तेरे का मतलब यही होता है कि दूसरे को उपदेश देते हैं और खुद को रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव उनके अंदर है। तो ऐसे लोग अपने आप को संशोधित कर लें, और जो जहाँ आपका वर्क प्लेस है वहाँ भूल कर भी आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, नाश्ता नहीं खाना चाहिए, जो भी खाद्य सामग्री आप खा रहे हैं प्लीज़ उसको बंद कर दीजिए, अपने वर्क को वर्शिप बनाइए, अपना अपने काम को पूजा के समान समझिए, और अपना काम पूजा स्थल ही बना के रखिए, पवित्रता उसकी बना के रखिए, गरिमा उसकी बना के रखिए, तो आपको फ़ायदा होगा। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि आप शुद्धता का ध्यान रखें वर्क प्लेस पर जहाँ आप वीडियो बनाते हैं। मैं भी अपनी जो वर्क प्लेस की टेबल है उस पर कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ, और किसी और को भी नहीं खाने पीने देती हूँ। अन्यत्र बैठकर खाते हैं हम, अन्यत्र बैठकर खाते हैं और पीते हैं, बहुत खाते हैं और बहुत पीते हैं भगवान के आशीर्वाद से, और 100 वर्ष तक पीते खाते रहेंगे। लेकिन वर्क प्लेस पर आपको ये काम नहीं करना चाहिए, और वर्क प्लेस पे ये काम करने से आपका बिज़नेस चौपट भी हो सकता है। अभी अच्छा चल रहा है तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि आपका बिज़नेस खड्डे में गिर जाए और आपका ज्योतिष का धंधा बंद हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ज्योतिष की गरिमा का बनाए रखिए, आप खुद ज्योतिषी हैं और आपको इतनी सी बात नहीं पता है होती है, ये तो पराकाष्ठा है बदतमीजी की, आपको इससे सबक सीखना चाहिए और इसको संशोधित करना चाहिए। हमने आपके लिए नहीं बोला मित्रों, हमने उस व्यक्ति के लिए बोला है, व्यक्ति विशेष के लिए बोला है जो ये काम करते हैं और ज्योतिषी होने का घमंड करते हैं, और ज्योतिष का उनका रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है ऐसा उनके अनुभव से, उनके जो एटीट्यूड से हमको लगता है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें जिससे सबको ये बात मालूम चल सके और वो भी सबक सीख सकें, अगर वो हमारा वीडियो देखते हैं तो अपने आप को संशोधित कर सकें और परिष्कृत कर सकें और ये गलती दोबारा भविष्य में नहीं करें, तो उनको लाभ होगा और उनका भला ही भला होगा। हम दिल से उनकी खुशहाली की कामना करते हैं, और हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं होता, हम उनके शुभचिंतक हैं और उनका भला चाहते हैं, तो ये गलती हम उनकी संशोधित हो सके इसके लिए उनकी मदद कर रहे हैं। नाम नहीं ले सकते लेकिन समझदार को इशारा ही काफ़ी है, तो ये काम भूल से भी ना करें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ लोगों ने बोला है कि दीदी आपका ऑफिस था, और तो ऑफिस अभी भी है लेकिन ऑफिस में इतनी वीडियो मैंने बनाई है तो मुझे अलग जगह वीडियो बनाने का मन करता है, इसी नाते मैं कहीं और कभी कहीं और खड़े होकर वीडियो बनाती हूँ, कभी कहीं और खड़े होकर वीडियो बनाती हूँ। आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मेरा AC रूम है और ऑफिस है और टेबल कुर्सी भी प्रॉपर तरीके से सजी हुई है, और वहाँ पर मैंने ज्योतिष संबंधी आइटम भी डेकोरेट कर रखे हैं। और आपको ये ध्यान होगा अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो आपने देखा होगा कि मेरा ऑफिस कितना सुसज्जित है और कितना वेल मैनेज मैंने कर रखा है। और आपको मैं बता दूं, मेरा जो डॉक्टर उमाश्री का जो सिल्वर प्ले बटन है, 100 सब्सक्राइबर जो 1 लाख सब्सक्राइबर के पे पूरा होने पर मिलता है, मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मेरा जो दूसरा चैनल है अयोध्या एस्ट्रो, उसका तो मुझे सिल्वर प्ले बटन मिल चुका है, मैंने रिक्वेस्ट भी भेजी है यूट्यूब पर, लेकिन लगता है गोल्डन प्ले बटन जल्द ही आने को है, और गोल्डन और सिल्वर प्ले बटन दोनों ही एक साथ आएंगे ऐसे मैं उम्मीद कर सकती हूँ। तो आप मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, और मेरे को 1 मिलियन सब्सक्राइबर में थोड़े ही सब्सक्राइबर बचे हैं, तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे करिए जिससे मैं गोल्डन प्ले बटन की दावेदारी कर सकूं, और सिल्वर प्ले बटन भी मैं पाना चाहूँगी। 1 लाख सब्सक्राइबर मेरे कब के पूरे हो चुके हैं तो मुझे सिल्वर प्ले बटन मिलना चाहिए। आप यूट्यूब को भी रिकमेंड करिए, और सिल्वर प्ले बटन तो मैं प्राप्त कर ही लूँगी, मुझे भी टाइम नहीं मिला एक्चुअली, और कुछ समय से मुझे इतना समय नहीं मिल रहा है तो मैं यूट्यूब को मैसेज कर सकूँ, तो आपके ज़रिए यूट्यूब को मैसेज मिल जाएगा और मेरे सिल्वर प्ले बटन मुझे मिलना ही चाहिए, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर कब के पूरे हो चुके हैं और मुझे अब तक भी डॉक्टर उमाश्री का सिल्वर प्ले बटन प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस वजह से ही आप मेरे वीडियो में देख नहीं पाते हैं। मेरे पास दूसरा सिल्वर प्ले बटन है अयोध्या एस्ट्रो, उसका मैं रिव्यू अयोध्या एस्ट्रो चैनल में कर चुकी हूँ और दिखा भी चुकी हूँ,
तो आपको अगर वो वीडियो देखना है तो देख सकते हैं अयोध्या एस्ट्रो चैनल, तो मेरा दूसरा चैनल है। इस पर मैंने बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं डाली है, तो उसमें आप देख सकते हैं। मैं डॉक्टर उमाश्री, जो मेरा पॉपुलर चैनल है, इसी में लगातार वीडियो डालती हूँ जो आपको पसंद आते हैं। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।